हम सिर्फ बात करते हैं सनातन धर्म। अच्छी बात है, आप कीजिए, मगर उस सनातन धर्म का संबंध जो है जिससे है, जिस सनातन परमेश्वर से है, उस सनातन परमेश्वर की भी बात करनी चाहिए। जो संदेश है, जो आज्ञा है, जो नियम है, उसकी भी बात करनी चाहिए कि वो सनातन संदेश क्या है, सनातन सुसमाचार क्या है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात करेंगे आज सनातन धर्म की। जी हाँ, सनातन धर्म के विषय में बात करेंगे। आपने सुना होगा, बहुत से वीडियो देखे होंगे, बहुत से लोगों की बातें सुनी होंगी, सनातन धर्म, सनातन धर्म, सनातन धर्म, इसकी बातें बहुत ज्यादा बहुत से लोग करते हैं। परंतु आप सनातन को अभी हटा दीजिए, सिर्फ धर्म को लेते हैं। धर्म है क्या, इसके बारे में बात करेंगे। जब हम धर्म की बात करते हैं तो इसका सीधी सी बात है कि धर्म जो है वो उस धार्मिक पिता, जो स्वर्गीय पिता है, यानी परम पवित्र परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि करता है, वो उससे जुड़ा हुआ है। धर्म अपने आप में कहीं अकेला नहीं है। जब सनातन धर्म है तो इसका मतलब क्या है कि जो धर्म उस परम पिता सृष्टिकर्ता परमेश्वर से जुड़ा है तो वो सनातन परमेश्वर होना चाहिए, सनातन परमेश्वर की बात भी होनी चाहिए, और उस सनातन परमेश्वर से जुड़ी सारी बातें जो हैं फिर सनातन की होनी चाहिए। सनातन से हटकर फिर कोई बात नहीं होनी चाहिए। आज इसी विषय पे जो है वो चर्चा करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है ना, जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं तब हम उसी सृष्टिकर्ता का वर्णन करते हैं जो सनातन धर्म का सनातन परमेश्वर है। ये ध्यान करिएगा, ठीक है। आप धार्मिक कैसे बनते हैं, धार्मिक कैसे बनेंगे हम, कि फलाना जो है बड़ा धार्मिक है, रिलीजियस है, बहुत पवित्र है, कैसे बनते हैं? जब हम धर्म का पालन करते हैं। धर्म का पालन करने का मतलब क्या होता है, धर्म का पालन यहां पर है ना, धर्म का पालन करने का मतलब क्या होता है, या धर्म के काम कैसे होते हैं, किस तरीके से? जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जिसने अपने वचन को, अपनी आज्ञाओं को, अपने नियम को, अपने भेदों को, अपनी सारी बातों को लिखित रूप से जो मनुष्यों को सौंपा है, उसकी उस इच्छा को, उसके उस नियमों को, उसकी उन आज्ञाओं को पालन करना, उसकी उन विधियों को मानना ही धर्म कहलाता है। अब हमने इसको एक नाम दिया, एक रूप दिया, सनातन धर्म। अच्छी बात है, कोई गलत नहीं है, बहुत अच्छा नाम है ये, सनातन धर्म। मगर सिर्फ बात जो है, चर्चा जो है, वो सनातन धर्म की ही नहीं होनी चाहिए, सनातन परमेश्वर की भी होनी चाहिए। जो कुछ भी लिखित में दिया गया है, पवित्र ग्रंथ जो कहलाए जाते हैं, वो सनातन ग्रंथ कहलाए जाते हैं, उन सनातन ग्रंथों की भी चर्चा होनी चाहिए। क्या आखिर है क्या? चलिए हम परमेश्वर के वचन से बात करेंगे कि परमेश्वर का वचन जो है वो क्या कहता है। देखिए, जब हम परमेश्वर के वचन की बात करते हैं, जब हम लिखे कि जो परमेश्वर ने लिखा है, जो परमेश्वर ने मनुष्यों को लिख कर दिया है, देखिए उसने, परमेश्वर ने क्या करा, अपने नियम, अपने कानून, अपनी इच्छाओं को और अपनी विधियों को और अपनी आज्ञाओं को जो है उसने एक किताब में लिखवाया, वो किताब ग्रंथ कहलाई, और उसने उसको लिखने के लिए कुछ विशेष लोगों को चुना जो उसकी नजरों में धार्मिक थे, धर्मी थे और पवित्र थे, और वो समझदार थे और उसकी स्वर्गीय बुद्धि से परिपूर्ण थे, जो वो उसकी बातों को समझकर लिख सकते थे, उनको उसने चुना और अपना हर बात को उसने लिखवाया। और जो वो लिखा गया है ना, वो क्यों लिखा गया है? आप मेरे साथ निकाल सकते हैं, दूसरा तिमिथियों 3 अध्याय उसका 16 और 17 पद है। देखिए यहां क्या लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र, देखिए शास्त्र की बात हो रही है यहां पर, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। क्यों रचा गया, सुनिएगा, क्योंकि उपदेश और समझाने
और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। देखिए धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है वो क्या है, फिर से सुनिएगा। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। फिर क्या लिखा है, सत्रहवां पद, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर रहे, तत्पर हो जाए। देखिए परमेश्वर का जन कौन है, परमेश्वर का जन। अब इस पृथ्वी पर किसी भी मनुष्य से आप पूछ लीजिए कि क्या आप परमेश्वर के जन हैं, कोई मनुष्य मेरे ख्याल से जो नास्तिक नहीं होगा वो हर मनुष्य यही कहेगा नहीं हम परमेश्वर के जन हैं। जो परमेश्वर में आस्था रखता होगा, जो परमेश्वर पर भरोसा विश्वास रखता होगा वो ये कहेगा हम पर क्यों नहीं भाई, हम तो परमेश्वर के जन हैं। अब यहां पर क्या कह रहा, पवित्र शास्त्र क्यों दिया गया है, इसलिए दिया गया है ताकि उसका सुधार हो सके, उससे उसको वो उपदेश मिल सके जो परमेश्वर जो है जो चाहता है जो करना चाहता है, उसको धर्म के काम उसके ऊपर प्रकट किए जाएं और वो जो है उसका सुधार हो सके और वो परमेश्वर का जो जन है वो सिद्ध बने। सिद्ध का बनने का मतलब है परफेक्ट बने परमेश्वर की बातों को मानने के लिए, धार्मिक कार्य को पूरा करने के लिए परफेक्ट बने, धार्मिक बनने के लिए परफेक्ट बने। परमेश्वर के परमेश्वर जो है उसके अंदर जब वास करे तो वो परफेक्ट हो। ये चीजें हैं यहां पर। ठीक है, हम सबसे पहले बात करेंगे सनातन धर्म की, नहीं बात करेंगे सनातन परमेश्वर की बात करेंगे, क्योंकि कैसे सनातन धर्म का पालन होता है ये दिखाएंगे। पहले सनातन परमेश्वर की बात करें, उत्पत्ति की पुस्तक 21 अध्याय उसके 33 पद में लिखा है, फिर अब्राहम ने बेशर्वा में जहू का एक वृक्ष लगाया और वहां यहोवा से जो सनातन ईश्वर है प्रार्थना करी। यहोवा जिसको यहूदी समाज में, इसराइलियों में और ईसाई समाज के अंदर जो है उस परम पिता परमेश्वर का, पवित्र परमेश्वर का नाम जो है वो यहोवा के नाम से जाना जाता, और वो यहोवा कौन है, सनातन ईश्वर है। अब अब्राहम जो है किससे बात कर रहा है, किससे प्रार्थना कर रहा है, किससे निवेदन कर रहा है, सनातन परमेश्वर से। वो सनातन परमेश्वर जो यहोवा के नाम से जाना जाता था, आज यीशु मसीह के नाम से जाना जाता है, वो सनातन ईश्वर। हम सनातन ईश्वर की बात कर रहे हैं, हम सनातन परमेश्वर की बात कर रहे हैं जो सृष्टि करता है, सनातन परमेश्वर का। अब बात आती है सनातन परमेश्वर है तो सनातन परमेश्वर का निवास स्थान भी होना चाहिए। अब उसका निवास स्थान को क्या कहेंगे ये भी पढ़ लेते हैं, भजन संहिता 68 का 33 पद, यानी साम्स 68 चैप्टर और 33 वर्स है। यहां क्या लिखा है, जो सबसे ऊंचे सनातन स्वर्ग में सवार होकर चलता है, देखो वह अपनी वाणी सुनाता है, वह गंभीर वाणी शक्तिशाली है। अब कहां रहता है परमेश्वर, हम लोग कहते हैं परमेश्वर स्वर्ग में रहता है, परमेश्वर स्वर्ग में, अगर ये भी लोग कहते हैं तो बुरी बात नहीं है, सही है बिल्कुल, मगर वो स्वर्ग क्या है, सनातन स्वर्ग है। क्यों सनातन स्वर्ग कहलाया, क्योंकि वहां सनातन परमेश्वर रहता है। जी हां, सनातन परमेश्वर रहता है, वो सनातन स्वर्ग है। परमेश्वर का वचन जो है वो इस बात को कह रहा है, हमारी जो है, अब परमेश्वर को जो है कहा क्या गया है, देखिए सुनिएगा, बात अभी यहीं खत्म नहीं हुई है। यशाया 26 अध्याय उसका 4 पद, यहां क्या लिखा है, यहोवा पर सदा भरोसा रख क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। देखिए क्या कह रहा, परमेश्वर पे, उस यहोवा पर जो सृष्टि करता परमेश्वर है जिसका नाम यहोवा है, उस पे सदा यानी हमेशा भरोसा रख, तेरा भरोसा टूटने ना पाए। क्यों ना टूटने पाए, क्योंकि वो सनातन परमेश्वर है, क्योंकि वो सनातन ईश्वर है, क्योंकि वो सनातन चट्टान है। यहोवा हमारी सनातन चट्टान है। और क्या है ये चट्टान, कौन है, जब आप पहला कुरंतियों 10 अध्याय उसका 4 पद पढ़ेंगे वहां लिखा हुआ है, ये जब आप इसको पढ़ेंगे तो लिखा है वो चट्टान जो है वो हमारी मसीह है। और मत्ती 7 अध्याय उसका जब 24 पद पढ़ेंगे कि बुद्धिमान ने अपना घर चट्टान पर बनाया जो गिर नहीं सकता। क्यों, क्योंकि सनातन चट्टान कौन है, वो परमेश्वर है। सनातन चट्टान कौन है, यीशु मसीह है सनातन चट्टान, सनातन परमेश्वर। और उस सनातन चट्टान पर हमारा
आत्मिक घर होना चाहिए जो सनातन आत्मिक घर कहलाता है। सिर्फ सनातन धर्म नहीं होता है, धर्म से जुड़ी हर बात सनातन होती है। हम तो आपको लिखा हुआ बता रहे हैं, जो पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर लिखा है परमेश्वर के निवास स्थान के बारे में, परमेश्वर के बारे में जो लिखा है कि वह सनातनी परमेश्वर है। हम सनातनी परमेश्वर के मानने वाले लोग हैं, सनातन परमेश्वर के मानने वाले लोग हैं, जिसका नाम यीशु मसीह है। फिर है पहला तिमिथियों 1 अध्याय उसका 17वां पद। अब जरा सुनेगा, ध्यान से सुनेगा क्या लिखा हुआ है। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगान युग होती रहे, आमीन। किसका? सनातन राजा का और अविनाशी जो है कभी ना खत्म होने वाला परमेश्वर जो है, सनातन राजा और अविनाशी अनदेखा परमेश्वर कौन है? प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय अब जब 16वां पद पढ़ेंगे, यहां क्या लिखा है, उसके वस्त्र और उसके जांग पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। आप जब प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 11 से 16 पढ़ लीजिएगा, परंतु 16वें पद में क्या लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में वहां वर्णन है। क्या कह रहा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में? राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है, यानी वो सनातन परमेश्वर है, सनातन राजा है, सनातन प्रभु है। देखिए, वो सनातन राजा की बात हो रही है, उसके रूप की बात हो रही है, उसके पद की बात हो रही है। राजा का मतलब हम पे प्रभुता करने वाला, हम पे राज करने वाला, हमारा न्याय करने वाला, और प्रभु का मतलब हम पर प्रभुता करने वाला। कोई मामूली नहीं है वो। प्रभु यीशु मसीह जो है वो सनातन परमेश्वर है, सनातन चट्टान है, सनातन राजा है और सनातन प्रभु है, जो हम पर राज करता है और हम पर प्रभुता करता है। आप कुलुसियों 1 अध्याय उसका 15वां पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, वह आदर परमेश्वर का, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौटा है। अदृश्य का मतलब अनदेखा परमेश्वर का रूप है यीशु मसीह। यहां लिखा ना, अभी हमने पढ़ा था कि अनदेखे परमेश्वर, अविनाशी और अनदेखा परमेश्वर जो है वो सनातनी परमेश्वर है, सनातन परमेश्वर है कौन? यीशु मसीह। सीधी सी बात जो है वो आ रही है। अब बात यही नहीं है, अभी हमने तिमिथियों में पढ़ा था कि जो परमेश्वर, हर एक पवित्र शास्त्र जो है परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया, परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, और हर एक को उपदेश और सुधार के लिए जो है दिया गया है, ताकि जो परमेश्वर का जन है वो सिद्ध बने, परफेक्ट बने। मगर वो है क्या? जो वचन हमें दिया गया है, जो नियम, जो कानून, जो आज्ञाएं हमें दी गई हैं, उसका रूप क्या है? चलिए उस सनातन परमेश्वर का वो रूप भी देख लेते हैं। क्या लिखा है प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसके 6 पद में क्या लिखा है, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वाले की हर एक जाति, हर एक कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार। यह सनातन सुसमाचार सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं था, यह सनातन सुसमाचार, वो सनातन सुसमाचार किसका? सनातन परमेश्वर का, सनातन परमेश्वर का सनातन सुसमाचार जो है हर एक कुल, हर एक भाषा, जितनी भी पृथ्वी पर जितनी भी भाषा के लोग रहते हैं, जो इस पृथ्वी पर जितनी भी जातियां रहती हैं, इस पृथ्वी पर जितने भी कुल रहते हैं, उन सब के लिए जो है सनातन सुसमाचार जो हमें और आपको दिया गया। कहां है वो सनातन सुसमाचार? हम सिर्फ बात करते हैं सनातन धर्म की, अच्छी बात है आप कीजिए, मगर उस सनातन धर्म का संबंध जो है जिससे है, जिस सनातन परमेश्वर से है, उस सनातन परमेश्वर की भी बात करनी चाहिए। उस सनातन धर्म का जो संदेश है, जो आज्ञा है, जो नियम है, उसकी भी बात करनी चाहिए कि वो सनातन संदेश क्या है, सनातन सुसमाचार क्या है, वो भी होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो सिर्फ सनातन धर्म की बात करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि जो बातें धर्म की, सारी बातें जो हैं उस धार्मिक पिता से जुड़ी होती हैं जो स्वर्गीय है, उस धार्मिक पिता से उसका संबंध होता है। क्योंकि धर्म का पालन कब होता है?
जब हम धर्म का पालन तभी होगा ना जब हम लिखित रूप से जो ईश्वर ने हमें दिया है, जब हम उसकी इच्छाओं का जो उसने लिखित रूप से दिया, उसकी आज्ञाओं का जो लिखित रूप से दिया, उसके नियम और विधि जो उसने लिखित रूप से दिए हैं, जब उसका पालन करते हैं तब समझिए हम धर्म का पालन कर रहे हैं। ऐसा बोलने से कुछ नहीं होता है। फिर क्या लिखा हुआ है, सनातन आत्मा की बात करेंगे अब हम। इब्रानियों 9 और उसका 14 पद है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया कि तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा ताकि तुम जीतते परमेश्वर की सेवा करो। अब सनातन आत्मा की बात हो रही है, किस आत्मा की? पवित्र आत्मा की, जो परमेश्वर का आत्मा है, जो मनुष्यों के बीच में इसलिए भेजता है ताकि वो उन्हें गाइड कर सके, सही दिशा दिखा सके, जिसको सनातन आत्मा कहा गया है। धर्म से जुड़ी हर बात अगर वो सनातन धर्म है तो उस सनातन धर्म का जो ईश्वर है वो सनातन परमेश्वर, सनातन ईश्वर होना चाहिए। उससे हर जुड़ी बात जो है वो सनातन होनी चाहिए, परमेश्वर का वचन जो कहता है। अब यहां पर एक बात है, सनातन काल यानी सनातन समय की भी बात करेंगे जो परमेश्वर पर है। दूसरा तिमिथियो 1 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। सनातन से यानी आदिकाल से हुआ है, आदि काल से जो है वो हुआ है, सनातन समय उस काल से जो है परमेश्वर का वचन जो है वो बता रहा है। अब बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। देखिए हम बात, मैं बार बार एक बात को रिपीट करता हूं कि परमेश्वर की इच्छा जानना, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, जो उसने हमसे कहा है लिखित रूप में, जो दी है ग्रंथ, जिसको ग्रंथ कहा गया है, उस ग्रंथ में परमेश्वर ने अपनी इच्छा और अपनी जो है जो भी उसकी इच्छाएं हैं, जो भी उसकी मनसा है वो उसने जाहिर की है, वो उसका पालन हमें करना है। वो भी क्या है, वो भी सनातन इच्छा है। अब उसकी सनातन इच्छा है क्या, चलिए पढ़ लेते हैं। इफिसियों 3 अध्याय उसका 11वें पद में लिखा, उस सनातन मनसा, मनसा का मतलब होता है इच्छा, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह में की है। अब देखिए सनातन जो इच्छा है जो प्रभु यीशु मसीह में उसने हमसे की है। अब उसने सनातन, परमेश्वर की सनातन इच्छा क्या, इच्छाएं परमेश्वर की बहुत है पवित्र शास्त्र में, परंतु एक इच्छा के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। जब आप मत्ती 7 अध्याय उसका 21 पद पढ़ेंगे तो वहां पर यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर अपनी सनातन इच्छा को जो है वो जाहिर करता है। क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह, कहता है जो मुझे हे प्रभु कहता है, हर एक कोई परमेश्वर के राज में नहीं जाएगा बल्कि वही जाएगा जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। देखिए यहां पर जो है मनसा यानी इच्छा, सनातन मनसा की बात हो रही, सनातन इच्छा की बात हो रही। अब उसकी जो सनातन इच्छा है उसका पालन करने वाला सनातन नहीं होता है, उसका पालन करने वाला सनातन होता है, उसका पालन करने वाला सनातन धर्म का पालन कर रहा है। इसको बोलते हैं सनातन धर्म या सनातनी जो है वो बोला जाता है। अब यहां पर सिर्फ है कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। अब परमेश्वर जो परमेश्वर में है तो उसके पास सामर्थ्य भी है। जैसे बहुत से लोग चमत्कार दिखाते हैं, बहुत से लोग आश्चर्यकर्म दिखाते हैं, बहुत से लोग अद्भुत काम दिखाते हैं और ये कहते हैं कि हमें ये परमेश्वर की सामर्थ्य मिली है, परमेश्वर की शक्ति के द्वारा हमें ऐसा कर सकते हैं। मैं किसी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, अगर परमेश्वर की शक्ति के द्वारा कर रहे हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा आप ये काम कर रहे हैं, आप आश्चर्य कर्म कर रहे हैं, आप अद्भुत काम कर रहे हैं, आप भविष्यवाणी कर रहे हैं, किसी का भविष्य बता रहे हैं, वो परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा हो रहा है, तो ये समझ जाइए कि वो सामर्थ्य है क्या, इसको तो समझिए। हर एक वो बात जो परमेश्वर से जुड़ी है, जो सनातन धर्म से जुड़ी है, वो सनातन परमेश्वर से पहले जाके जुड़ती है और वहां से निकलकर जब आती है परमेश्वर, सनातन परमेश्वर के पास से, और वो जब हम हमारे जीवन में प्रवेश करती है, हमारे जीवन में जब वो पूरा होता है तब वो सनातन धर्म या सनातन सामर्थ्य या सनातन इच्छा जो है वो बनती है, जिससे हम सनातनी बनते हैं या सनातन धर्म का पालन करने वाले हम व्यक्ति कहलाए जाते हैं। अब यहां क्या है, रोमियो 1 और उसके 20 पद में लिखा है, उसके अनदेखे गुण अर्थात
उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर तत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर हैं। अब यहां पर जो है मैं सारी बातों की बात नहीं करूंगा क्योंकि लंबा समय हो जाएगा। यहां लिखा है उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और उसके परमेश्वर तत्व जो है। अब यानी उसकी जो सामर्थ है वो किसी को दिखाई नहीं देती है, सिर्फ जिसके अंदर आती है उसकी सामर्थ, उस स्वर्ग पिता की सामर्थ वो महसूस करता है। और वो सामर्थ के काम जब निकलते हैं तो लोग उसके उसके द्वारा किए गए कामों को देखते हैं। अब लोग क्या कहते हैं, यार फलाना कर रहा है, साहब ये जो है ये पास्टर कर रहा है, ये गुरुजी कर रहे हैं, इन गुरुजी के पास जाओ, वो सामर्थ के काम वो नहीं कर रहा है। जो सनातन परमेश्वर से सनातन सामर्थ जो मिली है ये वो कार्य करती है। अगर सनातन सामर्थ हमारे पास ना हो तो हम वो कार्य नहीं कर पाएंगे। तो वो जो सामर्थ्य काम अगर आपके द्वारा किए जा रहे हैं तो वो सनातन सामर्थ है जो सनातन परमेश्वर से मिली है। तो सनातन परमेश्वर को जानिए कि वो कौन है, उसका पालन कीजिए। फिर क्या लिखा हुआ है, रोमियो 16:26 में, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। अब देखिए यहां क्या लिखा है, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से, सनातन परमेश्वर की आज्ञा से और भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो परमेश्वर ने जो बातें करी हैं उसकी पुस्तकों में लिखा और लिखा है द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाए, विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाए, तब जो है सनातनी बनते हैं, उस सनातन परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाले। और यहां लिखा है उस सनातन परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाले। और जब तक उस सनातन परमेश्वर की बातों को नहीं मानेंगे, इसका मतलब जब उसकी बातों को नहीं मान रहे हैं, क्योंकि उसकी बातें ही सनातन धर्म को प्रकट करती हैं हमारे जीवन में, हर एक के जीवन में नहीं, जो उसका पालन करता है वो सनातन धर्म का पालन कर रहा है, यानी सनातन परमेश्वर की बात को मान रहा है। अब यहां पर लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा, कृपया ध्यान दीजिएगा, पवित्र शास्त्र बाइबल में सनातन परमेश्वर का वर्णन है, सनातन परमेश्वर के निवास स्थान का वर्णन है, सनातन चट्टान का वर्णन है, सनातन राजा का वर्णन है, सनातन सुसमाचार का वर्णन है, सनातन आत्मा का वर्णन है, सनातन काल अर्थात समय का वर्णन है, सनातन इच्छा का वर्णन है, सनातन सामर्थ्य का वर्णन है। अब देखिए इतना सनातन के बारे में जो है पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि क्या क्या चीजें जो हैं वो सनातन है और उसको पूरा। अब आप खुद सोचिए कौन सा धर्म जो है वो सनातन धर्म है और कौन सा समाज जो है सनातनी समाज है। ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप खुद ही समझिए, मैंने आपको रेफरेंस दिए हैं पवित्र शास्त्र बाइबल से, कौन सा धर्म सनातन धर्म है और कौन से धर्म का पालन करने वाले सनातनी है, सनातनी समाज है। आप खुद लगाइए, ये सवाल आपके लिए है। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन।